करी थी। 4000 किलोमीटर हम चलकर कन्याकुमारी से समुद्र के तट से हम हिमालय कश्मीर तक पहुंचे और यात्रा का लक्ष्य था कि जब नफरत आज हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। भैया मैं थोड़ा धीमा है, तुम्हारा मुझे बोलने दो, शांत हो जाओ। तो जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने यात्रा की। बीजेपी ने एक विचारधारा आगे रखी है, हमने भी अपनी विचारधारा उनके सामने आपके सामने रखी। वो कहते हैं देश नफरत का होना चाहिए, देश में हिंसा होनी चाहिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, एक दूसरे का आदर होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई की इज्जत करनी चाहिए और तभी देश आगे जाता है। जब हमने ये यात्रा पिछले साल की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर दी, हमें बिहार का क्या होगा, हिंगोल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा। इसलिए हमने मन बनाया कि इस साल हमें दूसरी यात्रा भारत छोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक करने जा रहे हैं और इसलिए मैं आपको इस यात्रा में हमें न्याय से जुड़ा है। गरीब सत्ता के खिलाफ इस देश में अन्याय हो रहा है। आप सहमत हो, अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय किए जा रहे हैं। बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है, जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी लागू की, मगर पूरे देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है और इसकी चोट किसको लगती है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, इनको सबसे बड़ी चोट लगती है। तो आर्थिक न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय जो हमने जाति जनगणना की बात की है। जाति जनगणना की बात की है भाई और बहनों, देश में आदिवासी है, पंद्रह परसेंट माइनॉरिटी वर्ग, ये जो सब लोग हैं इनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। भैया भैया तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद
जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा। ब्रदर ब्रदर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा पूरा फायदा दो तीन बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।